बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन क्वालिटी कंटेंट और बनने लगी है तो जैसे आप अभी मूवीज की बात करें मतलब तीस करोड़ पचास करोड़ का उनका बजट होता है एक बहुत बड़ी सारी प्रोडक्शन टीम होती है वो एक आदमी बैठ के भी अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन वीडियो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है बहुत अच्छा विजुअल है वो बना सकता है ये अभी एक कंपनी कर भी रही है इसको जो रियल वीडियो के अंदर एनिमेशन कर पा रही है लाइव एडिटिंग के साथ में तो आप देख पा रहे हो ये ये चीज ये लाइव कर पा रहे हैं मतलब आपको वीडियो डालनी है

अब शाहरुख खान का इस स्केल पे कंटेंट बन रहा है कि कोई सोच ही नहीं सकता तो, creator, का जाएगा। कोई शाहरुख सुनेगा मुझे, परस्नेल, <laughs> really मुझे शाहरुख खान देखना है क्योंकि उसका ग्रोन तो, वी विद तो हमें, हमें भी पसंद है बट वेन थिंग्स गेट सो डेमोक्रेटाइज तो मैं कुछ शाहरुख खान का उठाऊंगी कुछ अमिताभ बच्चन कुछ हॉलीवुड से समथिंग एंड देर इज वन कैरेक्टर परसोना जिससे मैं ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ आई थिंक हाउ आई लुक एट फ्यूचर ऑफ आई मोर ऑन द लाइन द सुपर ऐप इन सर्टन वे ये एक एप्लीकेशन होगा जहाँ पे सब कुछ हो रहा है और उसको पता है कि मैं कौन हूँ मुझे पता है वो कौन है

मतलब रियल कॉन्टेंट या कोई बना रहा है इमेजिन जैसे सर्च में हुआ कि नाउ सर्च इज नॉट अ इंडेक्स प्रॉब्लम इट्स अ जेनरेशन प्रॉब्लम राइट तो आई थिंक कंटेंट में भी काफ़ी ज्यादा ये होगा कि वो मतलब आपको वीडियो रिकमेंडेशन नहीं आ रहे होंगे आपकी वीडियोस जनरेट हो रही होंगी तो इमेजिन जैसे मुझे साइकोलॉजी के बारे में कुछ सीखना है राइट right? तो वहाँ पे मेरा कोई फेवरेट एक्टर या मेरा कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर वहाँ पे आएगा वो मेरे को बता रहा होगा मेरी ही नॉलेज के बेसिस पे कि मुझे साइकोलॉजी uh, के बारे में पुराना कितना पता है राइट और मुझे उस टाइप का कुछ इंटरफेस होगा जहाँ पे तीन मिनट का वीडियो मेरे पास तीन मिनट का समय है पाँच मिनट का समय है मेरे को यू नो uh, you know, एक नए टॉपिक के बारे में जानना है तो वो रियल टाइम रन टाइम जेनरेट करके मुझे ही कंटेंट दिखा रहा होगा आई थिंक इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि आई थिंक आप दोनों की आइडिया से <laughs>

आपको थोड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। Human potential will increase, right? पर देखो potential की बात कर कर रहा हूं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कई बार बताया भी है। दस बंदों का का काम आज एक बंदा करते था है तो नौ बंदों की तो नौकरी गई है ना ठीक है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि बिजनेस देखो बिजनेस पैसा कमाने के लिए बैठा है तो अगर वो पैसा कमाएगा तभी वो ऑडियंस को भी ट्रांसफर करके देगा जैसे अगर हम वेबसाइट बना रहे थे तो वेबसाइट बनाने के हम एक लाख रुपए ले रहे थे अगर हम एआई से वो बना के दे रहे हैं तो हम आठ हजार रुपये भी दे पा रहे हैं सात हजार रुपये भी दे पा रहे हैं क्यों दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट पीछे की भी कम हो गई अब अगर हमारी वो नौ बंदों की जो नौकरी गई है वो का क्या होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों जो मुझे ने देखा है और इंक्लूडिंग और ये डिस्कशन करने का रीजन है क्योंकि मैं चाहता हूं लोग समझे इस बात को कि लोग समझ समझते रहे कित तेजी से बढ़ रहा है अगर ये नू लोगों ने समझा नहीं ना ए आई तो ये आप जो बता रहे थे एग्जिस्ट प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है कि हम ही नहीं कर रहे तो आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम एक्चुअली है या फिर नहीं है क्योंकि नौकरियां तो क्रिएट नहीं होगी ना काम तो वही रहने वाले है एक बार को हम कह सकते हैं काम इवॉल्व हो जाएगा कि पहले मेरे को एक सब टाइटलिंग की डबिंग, एक पूरी टीम चाहिए थी सब कुछ के लिए आज आपका एआई का टूल सिर्फ एक ही बंदा बैठ के वो सारा काम कर पा रहा है ये ये

कि आई वॉन्ट टू ओन माई टाइम राइट अब पैसे वैसे आई थिंक सब सबका सेटल हो गया सबको पता है सब आउट नाउ मोर अबाउट स्पेंड टाइम मुझे बनाने में मजा आता है लाइक हाउ वी वर टॉकिंग राइट यू फिगर्ड आउट लाइफ अब जिसमें मुझे मजा आता है मैं वो करूंगा राइट यू कम यूर ट्रेवल करके यू आर टॉकिंग टू अस यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अस बनता नहीं है राइट right? बट क्योंकि आपको मजा आता है इसलिए आप ये कर रहे हो सो आई थिंक जो ये नौ लोगों की नौकरी जाएगी

एंड दिस ए आई विल इनेबल दैट अलॉट अभी जो पांच लोगों को करना पड़ता था वो एक जना कर पा रहे हैं तो वो गीगो इकॉमी को और ज्यादा एम्पावर करेगा